हेलो नमस्कार स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2017 अप्लाई ऑनलाइन फॉर चौदह हजार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट इसकी जो है अभी भर्ती निकली है ठीक है तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वहाँ उसने निकाली है ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं देखिए जो एम पी एम पी पी ई बी दो अप्लाई ऑनलाइन फॉर चौदह हजार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट मध्य प्रदेश प्रोफेशनल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ठीक है हैज़ अनाउंस्ड नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूरमेंट ऑफ फोर्टीन थाउजेंड एटी एट असटेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर का मीनस है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए फिर हेड कांस्टेबल कंप्यूटर ये भी कंप्यूटर पे ही है ठीक है एंड कांस्टेबल वैकेंसीज एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम आठ छः दो हज़ार सत्रह से सात सात दो हज़ार सत्रह तक आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए जो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसने अनाउंस किया है नोटिफिकेशन निकाला है ए, कितने पोस्ट के लिए चौदह हज़ार अट्ठासी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड और हेड कांस्टेबल वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा ठीक है और कौ, जनरल कांस्टेबल वैकेंसीज भी है तो ये जो है इसको अप्लाई करने का जो डेट है वो है आठ छः दो हज़ार सत्रह यानी कि चालू हो चुका है और सात सात दो हज़ार सत्रह ये लास्ट डेट है ठीक है देखिए जो वैकेंसीज निकली हैं उनकी डिटेल जो है नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल जो चौदह हज़ार अट्ठासी पोस्ट है उनकी डिटेल देखिए पहला जो है कांस्टेबल जीडी जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी ठीक है तो ये है बारह हजार आठ सौ अट्ठाइस पोस्ट फिर कांस्टेबल ड्राइवर ड्राइवर का है सात सौ दो पोस्ट फिर कांस्टेबल कुक एक सौ छत्तीस पोस्ट फिर कांस्टेबल बारबर चौंतीस पोस्ट फिर धोबी थर्टी नाइन पोस्ट फिर कांस्टेबल कॉबलर पंद्रह पोस्ट फिर वाटर कैरियर नाइन्टी सेवन पोस्ट फिर स्वीपर चवालीस पोस्ट फिर कांस्टेबल ग्यारह पोस्ट ठीक है मैसौन फिर है ग्यारह पोस्ट कांस्टेबल बिगुलर फिर टेंट खलासी चौदह पोस्ट फिर हेड कांस्टेबल कंप्यूटर एक पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर चौंतीस पोस्ट तो ये जो चौदह वैकेंसी है उनको क्या किया गया है पूरा डिटेल वाइज बता दिया गया कि इसमें इसमें इतनी इतनी वैकेंसीज़ है आगे देखते हैं देखिए एज लिमिट तो एज लिमिट इसमें है कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी बिटवीन 18 टू 25 फाइव ईयर थर्टी थ्री ईयर फॉर मेन जनरल कैंडिडेट ऑफ मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है उनके लिए मेल कैंडिडेट उनके लिए थर्टी जो एज डिसाइड किया ऑन एक आठ दो हज़ार सत्रह रेफर द नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल आप जाकर इसको कंप्लीट डिटेल जो अखबार वाला डिटेल है वो देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है कैंडिडेट शुड प्रोसेस जो कैंडिडेट हैं वो टेंथ या हायर सेकेंडरी इक्विलेंट होने चाहिए कौन होने चाहिए तो जनरल एससी और ओबीसी ठीक है किसके लिए है जनरल एससी और ओबीसी के लिए ठीक और एट्थ क्लास और उसके इक्विलेंट एस टी कैंडिडेट के लिए होने चाहिए कौन से पोस्ट के लिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए ठीक है देखिए जो कांस्टेबल का पोस्ट है उसके लिए जनरल कैंडिडेट एस सी और ओ बी सी टेंथ और हायर सेकेंडरी इक्विलेंट होना चाहिए और जो एस टी कैंडिडेट है वो एट्थ और इक्विलेंट होना चाहिए कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए उसके बाद टेंथ क्लास हायर सेकेंडरी और इक्विलेंट और साथ में होना चाहिए एल एम वी यानी लाइट मोटर व्हीकल ठीक है और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है किसके लिए तो जनरल एस सी और ओ बी सी के और एट्थ और इक्विलेंट और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी और लाइट ठीक है वो एस टी कैंडिडेट के लिए ठीक है फिर कांस्टेबल ये किसके लिए है तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ये जो डिटेल था वो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए था उसके बाद में ट्वेल्थ और हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट वन ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हायर एजुकेशनल फॉर ये चाहिए हमको हेड कांस्टेबल कंप्यूटर के लिए ठीक है उसके बाद में डिग्री कंप्यूटर आईटी टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीन ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर आईटी फ्रॉम राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर इसके लिए चाहिए ये क्वालिफिकेशन ठीक है तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बाद देखते हैं सलेक्शन प्रोसेस तो सलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जाम सलेक्शन जो होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम के बेस पे होगा उसके बाद में प्रोफिशेंसी टेस्ट और फिजिकल मैंश्योरेशन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ये तीन प्रोसेस हैं रिटर्न एग्जाम फिजिकल टेस्ट प्रोफिशेंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ठीक है एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट टू क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में होंगे तो आप दोनों पार्ट के लिए फीस देख सकते हैं देखिए फॉर वन क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट शुड पे 500 हंड्रेड यानि पाँच सौ प्लस 70 पोर्टल चार्जेस और 40 फॉर फ्रॉम फी फॉर सिटीजन यूजर ठीक है और ये किसके लिए है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ठीक है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था ठीक है कितना 500 प्लस सत्तर रुपये पोस्टल चार्जेस ठीक है और 250 और पोस्टल चार्जेस सत्तर रुपये ये किसके लिए है ये है एस टी एस और ओ बी सी कैंडिडेट मध्य प्रदेश के लिए ठीक है तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं और पेपर टू का देख लेते हैं तो पेपर टू यानी दो पेपर दो क्वेश्चन पेपर के लिए तो कैंडिडेट शुड सेवन हंड्रेड सात सौ रुपये प्लस सत्तर रुपये जो पोर्टल चार्जेस लगते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और तीन सौ पचास और सत्तर रुपये पोर्टल चार्जेस एस टी एस सी ओ बी सी के लिए अगर दो पेपर देना चाहते हैं तो ठीक है दोज हु आर डूइंग मोडिफिकेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ मोडिफिकेशन करना चाहते हैं तो बीस रुपये पे करना पड़ेगा और पोर्टल चार्ज पचास रुपये ठीक है हाउ टू अप्लाई एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट एम पी ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन फ्रॉम आठ से आठ छः दो हज़ार चौदह से सात सात दो हज़ार सत्रह तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट यानी कि इसका डेट्स तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ठीक है और करेक्शन आठ छः दो हज़ार सत्रह लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है सात सात दो हज़ार सत्रह लास्ट डेट ऑफ मेकिंग करेक्शन एंड एप्लीकेशन बारह सात दो हज़ार सत्रह लास्ट डेट फॉर एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम उन्नीस आठ दो हज़ार सत्रह से अट्ठारह नौ दो हज़ार सत्रह फर्स्ट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइमिंग है साढ़े सात सुबह से ग्यारह एम तक ठीक है और सेकेंड सेशन एग्जामिनेशन टाइम है डेढ़ बजे से पाँच बजे तक ठीक है तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आप फ्री जॉब अलर्ट जो साइट है उसमें जाके आप पूरा का पूरा एक जो इसका पेपर नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं या एम पी ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट में भी देख सकते हैं एम पी व्यापक में भी जाके दे देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आप इसके लिए तैयारी करिए और ये एग्ज़ाम दीजिए अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो, तो आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों